नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पत्थर से कुचलकर की युवक की निर्मम हत्या। नासिक जिले में 34 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। 6 लाख लोगों ने लिया दूसरा डोज। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। डिंडोरी तहसील के तलेगांव डिंडोरी निवासी दीपक जनार्दन जाधव की अज्ञात व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या करने की घटना सामने आई है। डिंडोरी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रात के वक्त जब दीपक घर में था तभी उसे अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर बुलाया। घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राथमिक स्कूल के सामने खाली जगह पर आरोपी ने शराब पीकर हंगामा किया। इसके बाद अज्ञात व्यक्ति ने दीपक का सिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। दीपक देर रात तक जब वापस नहीं आया तो उसकी माँ कमल और पत्नी ज्योति उसे खोजने के लिए निकली, लेकिन वह नहीं मिला। सुबह दोबारा खोजने पर झाड़ियों में दीपक का शव मिला। नासिक के फिंगर विशेषज्ञ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्हें घटनास्थल से खून से सने 3 पत्थर, शराब की खाली बोतल, मोबाइल का हेडफोन मिला है। अगली खबर, नासिक जिले में 34 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 24 घंटे में 38 मरीज कोरोना से उबर चुके हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि इनमें नासिक शहर में 12 और नासिक ग्रामीण इलाके में 22 मरीज शामिल है। जिले में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। अब तक मरने वालों की संख्या 8,740 हो गई है। अगली खबर, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए टीकाकरण काफी अहम माना जा रहा है। इसके दोनों डोज लगवाने जरूरी हो गए हैं। ऐसे में लोग टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। जिले में कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों की संख्या 60 लाख के पार पहुंच गई है। ग्रामीण इलाके में अब भी पहला डोज न लेने वालों की संख्या 2,05,000 है। वहीं 5,05,000 लोग दूसरे डोज से दूर है। ऐसे में सावधान रहे, यह जानकारी जिलाधिकारी ने दी है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।